अस्सलाम वालेकुम बाजी। लो भाई सलमा, आज तो एक बड़ा मार का सर हो ही गया। वो क्या? अरे सरदार के घर से मजीद आसिफ को ले गया। शुक्र है। वैसे एक बात तो बताएं, बच्चा आसानी से चला गया था मजीद भाई के साथ? हाँ हाँ, बहुत आसानी के साथ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मजीद कितना नरम मिजाज और बच्चों से प्यार मोहब्बत करने वाला है। हर बच्चा थोड़ी देर में उसका गर्विदा हो जाता है। चलो ये तो अच्छा हो गया, लेकिन अब मुनीरा को एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या? वो ये कि दोनों बच्चों की परवरिश के दौरान किसी एक के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मामला तो बहुत नाजुक है। अल्लाह आसानियाँ करे। आमीन। और तुम क्या कर रही हो? मैं ना कड़ी चावल बना रही हूँ, मेरी तरफ आ जाए, खाना यहीं खाइएगा। अल्लाह हाफिज। वैसे बाजी आप थोड़ा जल्दी आ जाती ना तो खाना गर्मा गर्म खाते। अब मुझे माइक्रोवेव करना पड़ेगा। क्या बताऊं, कपड़े बदल के निकली तो ताहिर ने शोर मचा दिया कि मैंने भी साथ जाना है। तो आप ले आती ना उसे भी साथ। अरे बड़ों की बातों में बच्चों को नहीं बैठना चाहिए। वैसे भाभी, रशीदा ने मुझे बताया कि आपने कड़ी चावल बनाए। मैं वैसे भी आपके हाथ के बने हुए कड़ी चावल का फैन हूँ। मैंने दुकान बंद की और भागा चला आया। तो मैं अपने भाई के लिए हर हफ्ते बनाकर भिजवा दिया करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वैसे सोबिया को तो तुमने हमारे घर आने से मना कर दिया। हाय अल्लाह, उस पागल ने ये कहा आपसे? नहीं उसने तो नहीं कहा, कि बस मेरा अंदाजा है। अगर ऐसी बात है भाभी तो मेरी सिफारिश पे उसे आने दिया कर। अरे भाई आप भी किसकी बातों में आ गए? देखो हम अपनी बेटी को शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं, उसको कपड़ों का और जूतों का बहुत शौक है ना। लेकिन भाभी देखो प्लीज मना ना कीजिएगा, सोबिया मेरी भी लाडली है। जी ठीक है, आप लोग बैठे, मैं आपके लिए मीठा लाती हूँ। ठीक है बैठे। मामा, मेरा बच्चा। मामा को मिस किया तुमने? बहुत। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। देखो भाई देखो, मैंने अपना वादा निभा दिया, माँ को बेटे से मिला दिया। मजीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो जान में जान आ गई है। तेरा शुक्रिया भाई, अच्छा सा खाना खिलाओ। हेलो भाई। जी अब मामा तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करेंगे। चलो चलो भाई चलो।